सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम आज आपको बताऊंगा, सो ये रहा छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, बट कैसे? लॉगिन करके। लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करेंगे? डेट ऑफ बर्थ ऐसा वैसा नहीं फिल करना, फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मेट डेट मंथ ईयर लिखना होता है, ठीक है? तो कैसे लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 9 जून 1989 को अगर आपका बर्थडे आता है, लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, तो यहाँ पर आप एंटर कैसे करेंगे? 9 जून है ना, तो यहाँ पर 09 करेंगे। जून कौन सा नंबर में यहाँ पर लेना होता है, जैसे कि 6 मंथ होता है, 5वां मई रहेगा, उसके बाद जून आएगा ना 6 वाला, तो 6 06 और उसके बाद 1989 ये रहा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पर आप टाइप करेंगे, दिख तो नहीं रहा, तो टाइप करने के बाद आप कैप्चा फिल करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है, जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर वो एग्जैक्टली आपको टाइप कर लेनी होती है। अगर समझ नहीं आ रहा तो वो कर सकते हैं, चेंजेस होते रहता है यहाँ पर, बस वो एग्जैक्टली टाइप करनी है और यहाँ पर लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड तक पहुँच सकते हैं। एडमिट कार्ड फिर वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ही प्रोसेस था और आगे का तो आपको करना होगा। एडमिट कार्ड पेपर फॉर्म में निकालना होगा, पेपर फॉर्म में, ठीक है, हार्ड कॉपी चाहिए। तो अगर आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट होता है, ये क्या लिखा है भाई यहाँ पर, तो कोई दिखे नहीं रहा, शॉप लिखा है, ठीक है, आपको समझ नहीं आता आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप चाहे तो क्लिक करके चेक करें, या फिर सर्च करके इस पेज पर आएँ, या फिर आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके इस पेज पर आकर के अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें, सो इजी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।